रामपुर में सूबे की नई सरकार बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सरकार हर घर को रोशन करना चाहती है, लेकिन बिजली चोरी कम नहीं हो रही है, साथ ही बकाया बिल का भी भुगतान नहीं हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन ने बिजली चोरी के मामले पर प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली से संबंधित मामलों की जांच व कार्रवाई के लिए अलग थाना बनाया जाएगा। नए थाने को विद्युत चोरी निरोधक थाना के रूप में जाना जाएगा। रामपुर से मोहसिन रजा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। हर जगह के जो ATM की हानियां हैं वो 15% के स्तर पर लाई जानी है, और रामपुर टाउन की ATM की हानियां इस समय 48% चल रही हैं। तो इसके लिए अलग अलग हर ज़िले में एक थाना जो है बनाने की बात कही गई है, बिजली का थाना, जिसके लिए ज़मीन ढूंढने का काम चल रहा था, भवन ढूंढने का। और वो हमने नाहिद पिक्चर हॉल के पास, जो हमारा डिविज़न फर्स्ट का कैंपस है, उसमें हमने ढूंढ लिया। एक विभागीय रेजिडेंस है, उसमें जो है वो उसका निरीक्षण भी करा दिया गया है चीफ साहब को और विजिलेंस इंस्पेक्टर को। तो ये थाना यहाँ पे शीघ्र ही शुरू होगा। किस तरह के मामले निपटारे होंगे वहाँ पर? उसमें बिजली चोरी और जो भी शिकायतें हैं, हेल्पलाइन की शिकायतें हैं चोरी संबंधी खास तौर से, और सभी मामले वहाँ पे उन पर FIR दर्ज होगी और वहीं पर कार्रवाई होगी, हवालात भी उसमें बनाई जाएगी।